पीछे जो पीछे सर जी यहाँ पर आ जाइए, ऊपर आ जाइए, ऊपर आ जाइए, ऊपर आ जाइए, रबर हां बस अभी सही लाइट है। आओ लाजी लेकिन भाई इधर तो भाई ना अभी भाई मेरी क्रिसमस, मेरी क्रिसमस, मेरी क्रिसमस, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। एक मिनट की जाओ एक बैठा के देखो लेकिन भाई इधर देखो। हां जल्दी कर प्रभात बिठाएंगे अब मेरे वाले अरे हम हमने भी नहीं कहा अंकित भाई रुक जा यार एक्चुअली घर के अंदर लगा नहीं था कि लाइफ इतनी चेंज हो जाएगी, बहुत ज़्यादा चेंज हो गई है। बाहर आने के बाद पता चलता है कि एक्चुअली में कितना प्यार और सपोर्ट मिला है जनता से। और जब से मैं बाहर आया हूँ मैं देख रहा हूँ ट्विटर पे हम लोग रोज़ नंबर वन ट्रेंड कर रहे हैं, विच इज़ अ ह्यूज थिंग, विच इज़ अ ह्यूज थिंग। इतना प्यार इतना सपोर्ट एक्चुअली कभी सबका एक्सपेक्ट भी नहीं, ओवरवेलमिंग। ये कब अनाउंसमेंट वैसे मुझे कुछ पता नहीं इस बारे में। नहीं साजिद सर के साथ मेरा बॉन्ड बहुत अच्छा था, हम लोग जेन्युइनली दोस्त बने थे क्योंकि उनको भी सिनेमा बहुत पसंद है, मुझे भी सिनेमा बहुत पसंद है, तो हम लोग हमेशा सिनेमा की बातें बहुत करते थे। तो हो सकता है अगर उनके दिमाग में मैं कहीं किसी प्रोजेक्ट में फिट होता हूँ तो मैं भी बुलाए। मैं मुझे उनके रहने का एक्चुअली बहुत सपोर्ट था, अगर प्रियंका नहीं होती तो शायद मैं काफ़ी पहले निकला था। प्रियंका बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है और मेरे लिए इस सीज़न की विनर प्रियंका है। अब्दू इज स्वीट हार्ट, उससे इनोसेंट इंसान मैंने अपनी लाइफ में अभी तक नहीं देखा है। बट कई बार क्या होता है ना कि जब आप एक मंडली में बैठते हो दोस्तों के साथ बैठते हो तो कहीं ना कहीं आपके डिसीजंस आपकी सोच इन्फ्लुएंस हो जाती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब्दू अब जब से वापस आया है तो ये मैं देखना चाहूँगा कि अब्दू किस तरह से खेलेगा क्योंकि बाहर जाके हम सब लोगों ने बहुत सारी चीज़ें देखी होंगी। तो लेट्स होप कि वो मंडली से थोड़ा बच के रहे और अपने डिसीजंस खुद लें। It is actually very, very shocking. Somebody who just 20 and committed suicide. You know, मैं भी डिप्रेशन के दौर से निकला हूँ तो मैं करेक्ट कर सकता हूँ, मैं समझ सकता हूँ। होता क्या है कि वो एक मोमेंट होता है, अगर वो मोमेंट पास हो जाए या उस मोमेंट में आप किसी से बात कर पाओ या आपको कोई इस मोमेंट में समझा पाए, वो एक मोमेंट निकल जाए ना तो फिर आप इतना बड़ा डिसीजन लाइफ का नहीं लोगे। बट इट इज़ वेरी सैड, बस यही बोलूँगा कि लाइफ में कुछ भी हो जाए यार, तो कितनी भी बड़ी बात हो जाए आपकी लाइफ आपके पेरेंट्स आपके लिए सबसे बड़े होने चाहिए और किसी चीज़ के लिए भी आप अपनी लाइफ नहीं ले सकते। प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस, अपने मेंटल हेल्थ का ख्याल रखो, अपने फिजिकल हेल्थ का ख्याल रखो, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। Thank you.